उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अब अतीक के परिवार की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है, मगर इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। 2 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ बसपा कार्यालय में बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि इस बैठक में शाइस्ता की उम्मीदवारी के साथ प्रयागराज से क्या किसी और को उम्मीदवार बनाया जाएगा या नहीं, इस पर चर्चा होगी। बताते चलें कि प्रयागराज के मेयर पद की शाइस्ता उम्मीदवार थी, और साथ ही इस बैठक में निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही आज बसपा अध्यक्ष मायावती लखनऊ पहुंचेंगी और प्रयागराज मेयर सीट के लिए पार्टी की ओर से नया उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, और शाइस्ता परवीन का टिकट काटे जाने का औपचारिक ऐलान 3 अप्रैल को प्रयागराज में ही किया जाएगा। तो शाइस्ता परवीन का मेयर का टिकट कट सकता है, इसका औपचारिक ऐलान 3 अप्रैल को माना जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म ही समझिए कि शाइस्ता परवीन का मेयर का टिकट लगभग कट ही चुका है, और अब बसपा कार्यालय में कल अहम बैठक होनी है और औपचारिक ऐलान इस टिकट के कटने का, यानी कि शाइस्ता परवीन के मेयर का टिकट कटने का औपचारिक ऐलान 3 अप्रैल को माना जा रहा है कि हो सकता है। तो शाइस्ता का मेयर का पद का टिकट कट सकता है, जिसको लेकर के अब मायावती अब बैठक करेंगी। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने की आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट बसपा ने काट दिया है। गौरतलब है कि बसपा ने उन्हें पहले प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अतीक अहमद के साथ उनकी संलिप्तता और उनको जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में दोषी पाया गया है, साजिश रचने का आरोपी पाया गया है, उसके बाद अब उनका टिकट काट दिया गया है। कल बसपा की बैठक में प्रयागराज से नए उम्मीदवार की चर्चाओं पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श होगा। गौरतलब है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहले मायावती ने बसपा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 25,000 की इनामियाँ घोषित होने के बाद लगातार शाइस्ता परवीन फरार हैं, जिसके बाद बसपा ने अब उनका टिकट काट दिया है। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि बसपा कल उनकी उम्मीदवारी पर एक बार पुनः विचार कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शाइस्ता परवीन के मामले पर बसपा का अगला स्टैंड क्या होता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक शर्मा, जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।